समस्त देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, लाइव कमाता हूं, सब जानते हैं। आज विशेष मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूं। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, महात्मा अय्यन काली जी, गुरु कबीरदास जी, तमाम संत महापुरुषों के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। और इन्हीं महापुरुषों ने जो विचारधारा दी है, उसी विचारधारा को लेकर साथ चल रहा हूँ। मैं सलूट करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को, साहू जी महाराज को, पैरियार साहब को, नारायण गुरु को, बिरसा मुंडा जी को, जलकारी बाई को, उदावीर पासी जी को, डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को और मान्यवर काशीराम साहब। ये वो महापुरुष भारत के रहे हैं जिन्होंने भारत के अछूतों की दिशा और दशा बदली है, इस भारत की नीति को बदला है, यहाँ की शोषणकारी ताकतों को बदला है। ऐसे तमाम महापुरुषों को मैं क्रांतिकारी सलूट और जय भीम करता हूँ। साथियों, आज मुद्दा लाइव आने का आप सब लोग जानते हैं कि मैं लाइव क्यों आया हूँ। मैंने लाइव में लिखा है कि भीम आर्मी की स्थापना से और आज तक, पूरी डिटेल तो शायद मैं आपको ना बता पाऊँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारा संघर्ष किया गया है, जितना भी हम लोगों से हो सका। लेकिन आज मैं आपको भीम आर्मी की असलियत बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी है क्या, क्यों बनी, किन लोगों ने तैयार की, किन किन लोगों का समर्पण रहा, कौन कौन लोग आकर के जुड़े, किन किन लोगों ने काम किया, उस समय पर काम किया। शायद भीम आर्मी को तब कोई नहीं जानता था, तब भीम आर्मी के नाम से कोई वाकिफ नहीं था। कुछ 5-7 गाँव के अंदर भीम आर्मी का काम चल रहा था, फिर जिले में आया, जिले से प्रदेश में आया, प्रदेश से आज पूरे देश के अंदर जो ताकत भीम आर्मी की है वो आप सब लोग जानते हैं। अभी कुछ हमारे भाइयों ने भीम आर्मी को कहा कि भीम आर्मी किसी के बाप का संगठन नहीं है। मेरे भाइयों, ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, भीम आर्मी किसी के बाप का संगठन नहीं है। भीम आर्मी है भारत के अंबेडकरवादियों का संगठन, जो बाबा साहब की परिभाषा सही से जानता है वो भीम आर्मी को साथ सही से मान भी सकता है, जो नहीं जानता उनका मानने का भी सवाल नहीं उठता। चलिए मैं शुरू करता हूं भीम आर्मी की स्थापना। साथियों, 21/7/2015 जिस दिन भीम आर्मी की पहली मीटिंग ग्राम फतेहपुर बादो, जो कि मेरा निवास स्थान है और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के पड़ोस का गांव है 1 किलोमीटर पर, उसमें पहली मीटिंग हुई थी। भीम आर्मी की सोच कैसे बनी, चंद्रशेखर आजाद जी की, आजाद जी की और मेरी मुलाकात लगभग भीम आर्मी के बनने से 3 महीने पहले हुई। एक मित्र ने हमारे मिलवाया, नाम से मैं उनके वाकिफ था, वो थे या नहीं मैं नहीं जानता। मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, उठना बैठना स्टार्ट हुआ। मेरा खुद का काम था, बैंक पीओ की तैयारी में कर रहा था और ऑनलाइन शॉप थी मेरी, कभी कभी कुछ बच्चों को पढ़ा भी दिया करता था नौकरी के लिए, जितनी मैं जानकारी नेट से निकाल पाता तो बच्चों को देता था। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में जितना मैं जानता हूँ, डीएवी पीजी कॉलेज से उन्होंने एलएलबी किया, बहुत संघर्ष झेला, तमाम जितने क्षेत्रों के मुद्दे होते तो शुरू से ही खड़े रहा करते थे, अखबारों में पढ़ा वैसे भी देखा है। वहीं से ही उन्हें जो है सामाजिक संघर्ष की परिभाषा क्या है वो मालूम हुई। आजाद जी का घर जो है वो भी संघर्षशील है पूरी तरीके से। जब उनकी मेरी 2-3 महीने पहले मुलाकात हुई तो दोनों साथ बैठते थे, आते जाते थे, घर भी एक दूसरे के आने जाने लगे। तो चीज़ों को देखकर अखबार पढ़ना, डेली अलग अलग क्षेत्रों की चीज़ें नेट से निकाल कर देखना कि क्या हो रहा है। तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे कहा कि विनय भाई, कुछ तो देश में करना पड़ेगा, बाबा साहब इतना कुछ करके गए, मान्यवर काशीराम साहब ने इतना कुछ किया, फूले साहब ने इतना कुछ किया, जहाँ तक हमने उन लोगों को पढ़ा महापुरुषों को, कि सब ने अपने समय पर इस समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ तो किया है। और आज भी भारत में बाबा साहब के नाम से बहुत सारे संगठन चल रहे हैं जिन्हें हम दोनों लोग क्रांतिकारी सलूट करते हैं। भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही बाबा साहब के नाम से, तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम से, गुरु रविदास जी के नाम से, कबीरदास जी के नाम से, नानक देव जी के नाम से, या मैं ये कहूं प्रत्येक उस नाम से जो आज बहुजनों की बात करते हैं, उनको सलूट करते हैं।
नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं सब लोगों ने मिलकर के भारत में एक नई क्रांति का आगाज किया। भीम आर्मी की स्थापना होती है, जिस दिन पहली मीटिंग होती है, माफी चाहूंगा कुछ मैं भूल गया हूं, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रेशर कहा, कह रहे नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। निरंतर रोज रोज हत्याओं के मामले, बलात्कार के मामले, फिर स्कूल में पानी पीने को लेकर के मामले, बच्चों की एजुकेशन को लेकर मामले, इन चीजों पर हम लोगों की निरंतर बातचीत चलती रहती थी। तो उन्होंने कहा हमसे कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, नौकरी तो तमाम लोग करेंगे, कल शायद हम आप भी विनय भाई कल एजुकेशन लेकर के अच्छी नौकरी करें, जाकर एसी में बैठे, मैं भी कल अच्छी वकालत करूं, अच्छा मुकाम हासिल करूं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ साथ। तब उन्होंने कहा, तो हमने उन्हें एक बात कही कि भैया देखिए चीजें तो तैयार हो जाएंगी, लेकिन उनको संभाल कर रखना वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप संभाल सकते हैं तो आपकी जो सोच है, मैं इस सोच को आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता हूं। तो उन्होंने हाँ कहा कि आप स्टार्ट कीजिए। तो चंद्रशेखर आजाद जी की सोच को रन पे लाया गया 21-7-2015 में। लगभग 3 गांव के लोग, 8-10 लोग, फतेहपुर गुरु रविदास मंदिर की जो धर्मशाला है वहां पर पहली मीटिंग हुई, जिसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हमारे बीच थे और जितने साथी थे, लगभग कोई मजदूर था, कोई एजुकेशन लेने वाला था, मतलब गरीब परिवारों के लोग थे। उस दिन जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां अपने विचार रखे, हमने अपने विचार रखे, सब साथी के विचार सुने, तो उन विचारों से सब लोग प्रेरित हुए। मेनली आजाद जी के विचार जब सुने मैंने भी, मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया कि यार इतने ओजस्वी विचार वाला व्यक्ति और मुझे ये कह रहा है कि नहीं एक संगठन की तैयारी करते हैं, मुझे मूवमेंट सिखा रहा है, इतने ओजस्वी विचार वाले व्यक्ति जिन पर आज निरंतर मुलिया लोग उठा रहे हैं। सबने विचार सुने और उस दिन से भीम आर्मी का कारवां चला। साथियों कारवां कैसे चला ये जान लीजिए, बहुत सारे साथी मिले, नाम से आप लगभग सहारनपुर के पट्टे के नाम से आप वाकिफ हैं, कुछ नाम ऐसे भी होंगे जिनसे आप वाकिफ ना हो, उन सबका नाम भीम आर्मी के साथ आता है। आप तब भी आएंगे तो भीम आर्मी के पता लग जाएगा। रात दिन चलकर, मोटरसाइकिल से चलकर, पैदल चलकर, गांव गांव जाकर के जागृति अभियान। फिर एक दिन आजाद जी ने कहा कि खाली जागृति से कुछ नहीं होगा, हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। गांव गांव में जाकर भीम आर्मी की पूरी टीम भीम आर्मी पाठशालाएं खोलने का काम किया। साथियों जब हम गांव गांव में जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, आसपास का जो क्षेत्र था वहां के लोग जुड़े, तभी एक नया आदमी आया जिसका नाम दीपक बोध, देवबंद विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और भीम आर्मी के बहुत ओजस्वी साथी हैं। वो आजाद जी से हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने विधानसभा देवबंद जो सहारनपुर में पड़ती है बहुत मजबूती से काम किया। फिर मंजीत भाई, मंजीत सिंह नोटियाल, कमल सिंह वालिया जी, जसवंत भाई, सतीश भाई, सुखविंदर भाई, ऐसे तमाम साथियों की लाइन लगती चली गई। अब क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट भी हैं तो कानून बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कहीं किसी मजदूर की मजदूरी ना दी जाती हो, जब ये लगता हो कि किसी दिन मजदूर ने पूरे दिन मजदूरी की और दबंगों ने उसकी मजदूरी ना दी, तो हम लोगों ने रिटर्न वकार करवाई थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने SST आयोग और तमाम उन संस्थाओं को पत्र भेजे इन मामलों में कि हम लोगों पर ऐसा ऐसा शोषण है। पानी वाला मामला आप सब लोग जानते हैं, एक OBC साथी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा था स्कूल के अंदर, उसकी आजाद जी ने आवाज उठाई। आज जो लोग निरंतर सोशल मीडिया पर ये गद्दार वद्दार लिखने का काम करते हैं, हमारी सोच ये कि आप भी भाई हैं, हम आपको गलत नहीं कहेंगे, आप कुछ भी लिखें, आप खुद को भीम आर्मी का मालिक बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज की स्थिति को सुधारने में नाकामयाब रहते हैं तो मेरे भाई भीम आर्मी का नाम लगाने से आदमी भीम आर्मी का नहीं हो जाता। और मैं ये कहता हूं, जो लोग आज भीम आर्मी चीफ को गलत बोलते जा रहे हैं लगातार, एक बार भीम आर्मी का नाम अपने नाम से हटा ले, पता लग जाएगा। जो लोग आज भीम आर्मी के वारिस बन रहे हैं, ये है वो है, साथियों भीम आर्मी के वारिस की अगर मैं गिनती कराऊं तो गिनती नहीं कर पाओगे। आगरा से सिकंदर बोध, अनिल कर्दम, बुंदेलखंड से रणवीर गौतम, पूर्वांचल से डॉक्टर PK सागर, महाराष्ट्र से अशोक कामले, नेहाताई,
राजू धन के, सुनील गायकवाड़, मध्य प्रदेश से दत्तू मेढे जी और तमाम उनकी टीम, राजस्थान से अनिल भाई, महेंद्र सिंह खंडेलवाल भाई, सत्यवान भाई, तमाम उनकी टीम, बिहार से अमर आजाद जी, फिलहाल पदमुक्त हैं अमर आजाद जी, मनोज भारती, चंदन पासवान, ऐसे तमाम लोग, पंजाब से बलबीर भाई, बहुत बड़ी गिन्नी भाई, बहुत बड़ी टीम है, और आपका छत्तीसगढ़ से राजकुमार जांगड़े जी, झारखंड से नानू राम जी, केरल से चॉल्स, विजु अय्यन वाली, ऐसा ही नाम है, कुछ तो माइंड से स्लिप हो गया है, और आपका कर्नाटक से यशपाल बोरे, जम्मू कश्मीर से पवन भाई, साथियों तमाम प्रदेशों में जो भीम आर्मी काम कर रही है वो भीम आर्मी की सिफारिश है। एक कमरे में बंद होकर बैठना और वहीं से सिर्फ लोगों को गुमराह करना, ये भीम आर्मी के वारिस नहीं हो सकते हैं। आप तमाम कोशिश करें, बहुत सारे लोगों ने काशीराम साहब को बदनाम करके काशीराम साहब बनने की कोशिश की, नहीं बन पाए। बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को बदनाम करके बाबा साहब बनने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने भीम आर्मी में अपना खून पसीना दिया है। जसवंत भाई गरीब परिवार से हैं, अपना खून पसीना दिया है। सन्नी भाई खून पसीना दिया है। ऐसे तमाम साथी हैं, दिल्ली से सुजीत भाई, हिमांशु वाल्मीकि पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे तमाम इतने नाम हैं साथियों कि नाम शायद गिनते गिनते कम होंगे। और अगर आप जाकर के उनसे पूछेंगे कि उन्होंने भीम आर्मी को संघर्ष करके कैसे इतनी बुलंदियों पर लाए हैं, तो आपकी आंखों में आंसू होंगे। सिर्फ हमारा समर्पण छोड़ दीजिए क्या रहा, चंद्रशेखर आजाद जी का समर्पण भी आज आप छोड़ दीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी का समर्पण क्या रहा, वो समाज के व्यक्ति हैं,